वेलकम बैक गाइस केके बट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट, यानी कि नेचर का मतलब प्रकृति, रूट का मतलब मूल, मूलों की प्रकृति। तो मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में मूलों की प्रकृति की जो तीन कंडीशंस होती हैं उन कंडीशनों को मैंने जो है आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। आज हम उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है, जिस प्रकार से हम इंसान हैं, हरे जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं इन सब की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, अपनी अपनी प्रकृति होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे रूटों की भी प्रकृति होती है। तो चलिए आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हमें रूटों की प्रकृति निकालनी है, यदि वो रियल होते हैं तो हमें जो है उन रूटों को निकालना है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देयर आर द थ्री कंडीशंस ऑफ नेचर ऑफ रूट। व्हाट आर द थ्री कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन ये होती है, यदि आपका आंसर माइनस में आ जाए तब आपका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, यदि आपका आंसर जीरो आ जाए तब आपके दो बराबर रूट आएंगे और रियल होंगे, और यदि आपका आंसर प्लस में आ जाए, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, शून्य, डॉट डॉट कुछ भी आ जाए, तब आपके जो है दो अलग अलग रूट आएंगे और रियल होंगे। केवल एक कंडीशन होती है जिसमें इमेजिनरी रूट होते हैं, जिसमें आपका आंसर माइनस आएगा। तो गाइस, 2x² - 3x + 5 = 0। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c = 0। So already this question given in this form. So now what to do? First of all, we will find the value of a, b, and c. A is coefficient of x square. So what is the coefficient here? 2. And b means coefficient of x. What is? -3. And c means constant term. Constant term is 5. Then now what will be finding? We will find, for finding the nature of the root, we will find the discriminant. We will apply the discriminant formula. यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। तो d is equal to हमारा फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला गाइस नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसमें पुट कर दीजिए तो d will be equal to b की वैल्यू हमारी है -3² - 4 a² - c = 5। Then now calculate, -² is +, so it means 9, -4 to the 8, 8 5 the 40. When we will subtract 90 from 90 to 40, so we will get -31. Then guys, अभी मैंने शुरुआत में बताया था जब हमारा आंसर माइनस में आएगा तो वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी रूट कहलाएगा, यानी कोई भी रियल रूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो रियल रूट। यदि रूट आपका रियल नहीं है तो रूट को फाइंड आउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं जो चीज है ही नहीं तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इसलिए यदि आंसर हमारा ऋणात्मक आता है तो इट मीन्स वी कांट बी सॉल्व द क्वेश्चन, इट मीन्स वी कांट बी फाइंड द रूट्स। इज इट क्लियर? तो गाइस, इस प्रकार से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमारे वीडियो को साथ ही लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास स्वतः ही पहुँच जाएंगी। सो थैंक यू।